मान लीजिए आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू कहते हैं, दीपावली मनाते हैं, राम के ऊपर विश्वास होगा, राम दीपावली के दिन लंका से छोड़कर के अयोध्या में आए थे, ऐसी आपकी धारणा होगी। मैं पूछूं आपसे कि आपकी कहां से बन गई ये धारणा कि दीपावली के दिन राम लंका छोड़कर के पुष्पक विमान से यहां पर आए थे? क्या आपने अपने हिंदू साहित्य के एक भी ग्रंथ को पढ़ा? किसने बता दिया आपको कि दीपावली के दिन राम लौट करके घर आए थे? आपकी भी ऐसी धारणा है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। वाल्मीकि रामायण कहती है भगवान राम चैत्र मास में अयोध्या वापस आ गए। दूसरी अन्य रामायण कहती है भगवान बैसाख मास में अयोध्या वापस आ गए। चैत्र बैसाख कब आता है? मार्च अप्रैल। और अभी क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है। अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 महीने का फर्क कैसे हो सकता है? जबकि एक जैन संस्कृति के हिसाब से नहीं है, हिंदू संस्कृति कहती है कि भगवान चैत और बैसाख के महीने में वापिस हो आए लंका से, और हमने क्या धारणा बना ली कि दीपावली के दिन भगवान राम दीपावली के दिन वापिस अयोध्या आए और उनके उसमें उपलक्ष्य में हमने ये दीपावलियां बना, दीपों की आवली बना दी और मना लिया। इस तरीके से कितनी झूठी दीपावली आपने अपने जीवन में मनाई होगी, बताइए। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर आस्था थी उस आस्था को कभी आपने टटोल करके नहीं देखा, आपने अंधश्रद्धा पे विश्वास किया, अंधविश्वास किया आपने। क्या ये जो करते हैं वो सही है, इसके ऊपर जो करते हैं वो सही है, इसके ऊपर वाले जो करते हैं वो सही है, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। कोई भी हिंदू बता दे किसी भी ग्रंथ में लिखा हो कि कार्तिक मास पे और यहां पर भगवान राम का अयोध्या में वापिस आना हुआ है, दीपावली हम इसलिए मनाते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो दुनिया की सबसे पहली रामायण है, 24,000 श्लोक प्रमाण, वह 24,000 श्लोक प्रमाण में चैत मास की घोषणा है। इसके बाद तुलसीदास जी और अन्य रामायणकार जो हैं इसी चीज को बैसाख मास में बता रहे हैं, कार्तिक मास में किसने बता दिया? ये आस्था कैसी है दीपावली मनाने की, आप सोचिए। और मान लीजिए कि कार्तिक मास में राम आए भी अयोध्या, आपको राम पे विश्वास है, राम के ऊपर आस्था है, राम को अपना मानते हो, राम के चरित्र से कुछ सीखा सुधरा, कुछ अपने आप को संभाला है? कुछ नहीं महाराज, भवानी की जय बोलने वाले, राम की जय बोलने वाले, दीपावली मनाने वाले, अपने आप को हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदू कहने वाले लोग भी किस तरीके से गफलत में हैं आप देखिए। हम सतना में थे, हमको आज भी वो बात याद आती है, बड़ा दुख लगता था कि एक शावक क्या हमारा आहार हुआ, आहार करने गए तो ये राम का देश जहां वाल्मीकि रामायण में सीता ने पूछा हनुमान से इस विश्वास के लिए कि बताओ, हनुमान जब सीता से पहली बार मिले, सीता को तो पता ही नहीं था कि ये हनुमान का भेजा है कि रावण का भेजा है, तो हनुमान ने दिखा दिया चूड़ा मड़ी है, ये आपका ये कंकड़ है, ये आपकी नुपुर है, आप ऐसा करते थे वैसा करते थे, तमाम बातें राम ने जितनी जितनी बताई थी हनुमान ने सब सुनाई माँ सीता को। सीता को विश्वास नहीं हुआ, सीता को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये राम के द्वारा भेजा गया हनुमान है और मेरी रक्षा के लिए आया। तो सीता सब कुछ सुनने के बाद हनुमान से कहती है, ये किसी जैन ग्रंथ का उद्घोष नहीं है बंधुओं, वाल्मीकि रामायण की बात बता रहा हूं आपको। वाल्मीकि रामायण में सीता हनुमान से कहती है कि तुमने सब बता दिया, मैं मान गई, लेकिन मुझे तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक तुम ये ना बता दो कि राम खाते क्या है। क्योंकि एक ऐसी भोजन की ऐसी पवित्र व्यवस्था थी राम की कि वो सीता के हाथ का दिया और सीता के सामने ही खाते थे, तो सीता को पता है कि राम की चॉइसेस क्या है। बियाबान जंगल में 14 साल तक रहने पर राम को प्रत्येक दिन सीता ने भोजन कराया, सीता ने बोला सारी बातें अलग हैं, तुम ये बताओ राम का भोजन क्या है, खाते क्या है वो, और तुमने ये खाना बता दिया तो हम मान जाएंगे कि तुमको राम ने भेजा। तब हनुमान वहां पर एक श्लोक कहते हैं, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव
मद सेवते। राघव कभी भी मांस भक्षण नहीं करते, राम कभी मांस नहीं खाते। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को यह बात सुननी होगी, राम कभी मांस नहीं खाते, राम नचैव मधु सेवते, वो शहद का सेवन भी नहीं करते हैं। वन्यम सुहितम नित्यम, वनों में जो अच्छी प्रकार से भली भांति जो फल मिल जाते हैं, भक्तम अश्नाति केवलम, उसी को खा करके राम ने अपना पूरा जीवन अभी तक का जिया है और अभी भी राम ऐसा ही कर रहे हैं। उसी राम के अनुनायी होकर के और लोग जो हैं, कितना आश्चर्य लगता है कि देखो तुम हिंदुस्तान में रह करके अपने आप को हिंदू कहते हो। जब मैं सतना में गया उस श्रावक के आहार करने, उस श्रावक के घर के सामने एक दारू का ठेका था, उस दारू के ठेके में बाहर पोस्टर में राम की तस्वीर लगी थी और लिखा था वहां पे भवानी, भवानी का नाम लेकर के लिखा था कि दारू के विक्रय केंद्र। हमने आश्चर्य किया कि जिन चीज को भगवान राम ने कभी देखा नहीं, जिस चीज का कभी स्पर्श नहीं किया, उसका नाम लेकर के आज के इस पंचम काल के कलयुग के लोग उनके नाम पे दारू का ठेका लेने लगे। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग स्लॉटिंग करने लगे हिंदू होकर के, हिंदुस्तान के अंदर रह करके हिंदुस्तान का हिंदू किसनी कितनी बातों में आगे आ गया। क्या आस्था है तुम्हारी राम के ऊपर दो कौड़ी की, कि तुमने इतनी भी शर्म नहीं आई तुमको कि तुमने राम को उठा करके दारू के ठेके में चिपका दिया। अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, और वो जो बड़े बड़े राजनेता हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा राम का भक्त मानते हैं, वो इन ठेकों को डिवाइड करके दुनिया को देते हैं और इकोनॉमी को स्टैंड करने की बात करते हैं, स्लॉटिंग हाउस चलाते हैं और स्लॉटिंग करके यहां से मांसाहार को, मांस को काट काट करके वही राजनेता लोग उठा करके बाहर फेंकते हैं और यहां पे दीपावली मनाई जा रही है भगवान राम के आदर्शों की। क्या लगता है, सोचिए आप, क्या दीपावली मनाना सार्थक है? क्या राम की ये आस्था थी कि हिंदुस्तान के अंदर गाय कटेगी और हिंदू उसी गाय कटी हुई गाय का बेल्ट पहनेगा, चमड़ा पहनेगा, जूता पहनेगा? ऐसी आस्था और ऐसी आस्था की दीपावली है। दीपावली क्या है कि घर जलाना है अपना ही और राम का। राम, राम की ललकार थी योग की और राम के भक्तों की ललकार बन गई है भोग की। ये हिंदुस्तान के अंदर गाय कटती है, यहां पे कृष्ण की बांसुरी और गाय की पूजा होती है और लोग भैंस का दूध पीते हैं जो यमराज का होता, यमराज का वाहन है, पूजा करते हो गाय की, दूध पीते हो भैंस का। श्रद्धा में जैसा तुम्हारी ये परिस्थितियां दूध पीने की बन गई है कि दूध चाहिए भैंस का, पूजा करेंगे गाय की, ठीक ऐसी ही श्रद्धा की परिस्थितियां राम के साथ बन गई है कि राम की पूजा करेंगे, राम के मंदिर में जाएंगे, काम पूरे के पूरे रावण के करेंगे। ये शराबें क्या देवता लोग पीते थे, असुर पीते थे? अब असुरों को पिलाने के लिए तुमने शराब के ठेके ले लिए और राम की फोटो चिपका दी। देखिएगा कभी भी किसी भी दारू के ठेके में जाकर के अंदर देवी देवताओं की, राम की, हनुमान की मूर्ति लगी रहती है, ऊपर से राम देखते होंगे तो रोते होंगे अपने इस चरित्र में तुम लोगों को देख करके कि क्या तुमने आस्था के साथ खिलवाड़ किया और किस तरीके के साथ इस भारत की भूमि, इस वसुंधरा पर जहां मैंने पद की चाप में जा करके, जहां ऋषि मुनियों के यज्ञ हुआ करते थे और वे असुर थोड़े से खून के छींटे फेंक दिया करते थे तो पूरा का पूरा यज्ञ अपवित्र हो जाया करता था, उसी भारत की धरती पर जहां मैंने अपनी जान की बाजी लगा करके 14 साल तक वनों में रह करके राम सोचते होंगे, जहां असुरों का विनाश किया, वहां आज मेरे मानने वाले जानने वाले मांस भक्षी हो गए। आज मेरे ऊपर आस्था पूजा करने वाले लोग वहां पे आज दारू के ठेके लेने लगे, दारू के ठेके देने लगे। ये हिंदुस्तान था, ये पूरा का पूरा भारतवर्ष था जिसको राम ने अपनी आस्था और साधनाओं के साथ सींचा था। आज हम उस राम की के वापस लौटने पर अगर मान लीजिए आप दीपावली मनाते भी हैं, कभी कल्पना करके देखिएगा बंधुओं, यही दीपावली का त्यौहार है। आज की रात इतनी दारू की बाटले बिकेंगी, आज की रात में सबसे ज्यादा भांग, गांजा, नशा बिकेगा। आज ही रात से शुरू करोगे तुम भगवान के नाम राम पे लेकर के, लक्ष्मी का नाम लेकर के जुआ खेलने की शुरुआत, पूरी रात जुआ चलेगा, पूरी रात जुआ चलेगा। और
आप पर से बाहर से खड़े होकर के भगवान राम के अयोध्या लौटने पर हम राम की पूजा शाम को करेंगे और काम करेंगे रावण का। राम ने अपना नाम पंचम काल में बदल करके काम रख लिया। तुम्हारे दिमाग में काम हावी है और नाम लेते हो राम का। किसने व्यवस्था बना दी कि दीपावली के दिन जुआ खेलने पर घर में लक्ष्मी आती है? चला करके कितनी कितने सारे भारत के लोग हैं, रोड में निकल के देखिएगा, हर मोहल्ले में फड़ लगा होगा आज की रात को। खुल्लम खुल्ला जुआ हो रहा है, पुलिस वाले भी नहीं रोक रहे। ये हिंदुस्तान है, राम ऊपर से देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। जब तुम हिंदू होकर के दारू पीते हो, जब तुम भारतवर्ष में हिंदुस्तान के अंदर रह करके दारू का ठेका चलाते हो, वहां पे राम की फोटो लगाते हो, भवानी की फोटो लगाते हो, कोई क्या सोचेगा? आप सोचो। और अभी दीपावली आई है, अभी मेरी बातों में विश्वास ना हो तो सुनने वाले किसी भी दारू के ठेके में जाकर के देख लो, अगर मैं इतना सा भी गलत हूं तो मेरा प्रतिकार मुझे स्वीकार है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं सास्ता होकर संबोधित करता है साधक को। तुम राम को मान करके अगर दीपावली मनाना चाह रहे हो तो कम से कम ऐसा तो मत करो भैया कि राम की वो कृष्ण की वो गैया की चमड़ी उधार करके तुम्हारे लिए बेल्ट बनाया जाता है, तुम्हारे लिए जूते बनाए जाते हैं और हम उसके इंप्लीमेंट करते हैं, पर्स यूज करते हैं। कहां वो गाय कट करके इतना चीख रही है कि मैं भारत में पैदा हुई थी ये सोच करके कि हिंदू मुझे संभालेगा, उसने मेरी खाल उतार करके अपनी कमर में बांध दी। मेरे माथे जिसमें वो तुम पढ़ करके छू करके तुम अपने आप को देवताओं का स्पर्श समझते थे, उसी खाल को निकाल करके तुमने अपना जूता सिल लिया, उसी की तुमने टोपी बना ली, उसी की तुमने हैंड ग्लव्स बना लिए, उसी का जैकेट बना लिया, मुझको ओढ़ लिया। वो राम भी चिल्ला रहे हैं, आज वो गाय भी चिल्ला रही है, उसके बाद भी हम भी कुछ शांति से बैठे हैं। दीपावली मनाना है, गड्डियां कहां से आएंगी, रात में जुआ खेलना है, दारू पीना है। दारू के ठेके में देखना अभी कितनी रौनक होगी, जैसे लोगों के यहाँ टंकियां बिकती हैं, लाई बिकती है, मुर्रे बिकते हैं, बर्तन बिकते हैं। दारू के ठेके वाले भी कम नहीं है, उनने भी अपने घर के बाहर दीपावली में सजा के रखा है, उन्होंने भी झालरें लगा के रखी है। क्या वो कोई आस्था का केंद्र है? बताओ मुझे, दीपावली मनाना है ना आज, कल मनानी है दीपावली, तो थोड़ा सा पहले तो कुछ चेतना को झंकृत करना पड़ेगा ना, चाहे जैन हो या हिंदू, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वाचना करने वाला, साहित्य को लिखने वाला दोनों दिगंबर और संत हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रंथ, ये साहित्य उद्धार करने में तुला है कि भारत के अंदर कोई भी विजीव है, किसी भी धर्म का है, उसका उद्धार करेगी ये मूक माटी। क्या जैन क्या अजैन, सबको सुनना चाहिए। राम तो हमारी भी आस्था का केंद्र थे, वो राम थे जिन राम ने भरत, जब भरत और राम का जब वियोग हो रहा था तब भरत ने राम से कहा कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कोई उपदेश तो दे दीजिए। तब राम ने जो भरत को उपदेश दिया था, आज के ये हिंदुओं को क्यों सुनाई नहीं देता? राम ने भरत को उपदेश दिया, भरत ने कहा भगवान आप इस अयोध्या के स्वामी हैं, आप इस अयोध्या में राज करिए, जंगल वनवास मैं जाता हूं। राम ने कहा नहीं, क्योंकि राम का केंद्र बिंदु था त्याग। राम क्या है तो त्याग की वो आकर्षण है त्याग का, कि कैकई माँ के कहने पर जिनने सबसे पहले अपनी सगी माँ को छोड़ दिया, त्याग पहला वहां दिखाया। वो राम जब सीता लंका में पहुंच गई तो रावण की पूरी लंका जीत ली, अयोध्या से कितना ऊंचा वैभव था लंका का, पूरी की पूरी सोने की थी, उसके बाद भी उन्हें उस पूरी की पूरी लंका जीतने के बाद छोड़ दी, त्याग कर दिया, और ये कह दिया लक्ष्मण से। लक्ष्मण ने कहा कि कुछ दिन यहीं पर राज करिए, तो तब वहां पर राम ने कहा यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये वो राम थे जो सोने की लंका छोड़ करके, त्याग दिखा करके और अपनी अयोध्या लौट आए। ये वो राम थे जो अपनी माँ के कहने पर 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। ये वो राम थे जिन्होंने अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए, कि समाज की व्यवस्था बनी रहे, जिस सीता को पाने के लिए बानरों के साथ मिलकर के और लंका जीती, उसी सीता का लोक मर्यादा भंग ना हो इसलिए त्याग कर दिया।
राम वो त्याग की त्रिवेणी है। हर जगह राम राम राम, हर जगह ये सोचो कि हर जगह राम के केंद्र में उनकी आत्मा में क्या था। संस्कृति को जीवित रखने के लिए सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी राम को, त्याग त्याग त्याग। और इतने में उनका त्याग खत्म नहीं हुआ बंधुओं, राम यहां पर रुके नहीं। राम ने पहले सीता छोड़ी, उसके पहले लंका छोड़ी, उसके पहले कहने पर, मां के कहने पर अयोध्या छोड़ी, और अपने जीवन के अंतिम पुरुषार्थ पर अपनी देह को छोड़ करके सदा सदा के लिए सिद्धालय में जाकर के बैठ गए। उन राम की मैं बार बार वंदना करता हूं, बार बार उन राम के चरणों पर ये दिगंबर संत अपना माथा रखता है जो सिद्धालय में जाकर के सिद्ध परमेष्टि के पर्याय को प्राप्त करके बैठे हैं। वे राम हमारी आस्था का केंद्र हैं। इस धरती पर जिन राम, जो राम तुम्हारी आस्था का केंद्र बन गए, जिनके नाम पर तुम दारू का ठेका लेते, जिसके नाम पर तुम कोई फालतू के मांसाहार की दुकान खोल लेते, नॉन वेजिटेरियन होटल खोल लेते, और वहां पर राम की फोटो लगा करके राम को बदनाम करते हो, हिंदुस्तान के अंदर रह करके वो दीपावली मनाते हो, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ा तो सोचना चाहिए कि जिस गुरु के ऊपर, जिस भगवान के ऊपर हमारी आस्था थी, वो हमको ऐसा करने का एक भी संकेत दे करके नहीं गए। जब वो राम वनवास जा रहे थे बंधुओं, छोटा सा प्रसंग है लेकिन मार्मिक है, हिंदुस्तान के हर हिंदू को सुनना होगा और हर जैन को भी ये बात समझनी होगी। भरत राम से कहते हैं, आप जा रहे हैं, मेरे लिए कोई संकेत दे जाइए, कुछ ऐसा संकेत जिससे जब तक आप ना आए तब तक मेरा जीवन सुरक्षित रहे। तो राम ने सिर्फ एक बात कही भरत से, प्रसंग कभी वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़िएगा, आनंद आएगा। हम नहीं कहते कि पौंड्रचरित पढ़िए, हम नहीं कहते कि आचार्य रविशरण आचार्य महाराज का पद्म पुराण पढ़िए, हम कहते हैं आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए और उसमें से ये बात निकाल करके देखिए जो राम ने भरत को कही। राम भरत से कहते हैं, भरत मैं तेरे भरोसे अयोध्या छोड़ करके जा रहा हूं, वंश की मर्यादा का ध्यान रखना। भरत ने ऐसा हाथ जोड़ लिया, घुटने के बल भरत बैठ गए। राम खड़े होकर के, आप सोचो कोई घुटने के बल ऐसा बैठा हो, राम खड़े होकर उपदेश दे रहे हो और राम उंगली दिखा करके बोल रहे हो, भाई वंश की मर्यादा का ध्यान रखना, अपन सूर्य पुत्र हैं। कौन से कुल के हैं वो? सूर्य पुत्र हैं। राम कहते हैं अपन सूर्य पुत्र हैं, सारे के सारे शुभ कार्य उस सूर्य की उपस्थिति में करना, सूर्य की अनुपस्थिति में एक भी कार्य मत करना। भरत इस बात का तू हमेशा ध्यान रखना, मुनियों को दान देना, लोगों को दान देना, जिन्हें भगवान की, साधुओं संतों की सेवा करना, पूजा करना। और अंतिम समय में वही राम ये बात को कहते हैं कि जब एक अपने इष्ट के वियोग पर अपन को भोजन नहीं रुचता, अपन तो सूर्यवंशी हैं और जब सूर्य अस्ताचल में चला जाए तो तू भोजन कैसे कर सकता है, तू सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन करना, जब तेरे आंखों से ये सूर्य चला जाए तब तुझे भोजन करने का भी अधिकार नहीं है। तेरी मेरी बात भरत तुझे समझ में आ रही है? तो भरत वहां पर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सेवक को तो आदेश दिया जाता है भगवान, उपदेश तो भक्त को दिया जाता है और मैं तो आपका सेवक हूं। ये संवाद जो वाल्मीकि रामायण में छिपे पड़े हैं, ये संवाद जिसके लिए कहा है राघव मानसो भुक्ते न चाहे मधु सेवते, हिंदुस्तान के लोगों को ये गूंज राम की क्यों सुनाई नहीं देती? ये वाल्मीकि ऋषि के ऊपर जो ये आस्था है, ये आस्था आपकी कहां खो गई है, कहां मर गई है?